फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्तिका राज और अभी फ़िलहाल मैं हूँ सक्करधरा के जस ब्रिज पे और इस ब्रिज से आपको शाही संदल का ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगी। तो वीडियो के लास्ट तक के ज़रूर बने रहिए और इस वीडियो के एक नहीं दो नहीं तीन पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि शाही संदल शाही है अपने आप में जो कि कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होता है, घंटों में लगता है। सो नागपुरियंस रेडी फॉर शाही संदल, लेट्स हैव अ लुक ऑफ 2022 शाही संदल ऑफ बाबा ताजुद्दीन। बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे डीजे हैं, बहुत सारी पब्लिक है, मतलब बाबा ताजुद्दीन को यहाँ पे हर कोई झुक के सलाम कर रहा है। और 100 साल कंप्लीट हुए हैं इस उरुस को, सो 100 साल में ये 100th शाही संदल है जो कि पूरा दिन भर हमारे नागपुर की गलियों में घूमता रहा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक के बड़ा ताजबाग विजिट नहीं किए हो तो आप जाके विजिट करो, वहाँ पे मेला भी लगा है इसके पहले का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लो, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी। और हाँ 3 नवंबर तक के ये प्रोग्राम ऐसे ही शोरों से शुरू रहेगा हमारे नागपुर में जो कि सक्करधरा में सिचुएटेड है हमारा बड़ा ताजबाग। साथ ही में यहाँ पे लंगर की सुविधा भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए और नागपुर को बाबा ताजुद्दीन का ये उरुस एक अलग ही मुकाम पे पहुँचाने में हेल्प कीजिए। लोगों में जोश तो देखते ही बनता है यार, कितना मतलब डेडिकेशन है, पूरा दिन भर ये लोग ऐसे ही जोश से बने हुए हैं और हर कोई यहाँ पे ना किसी ने हाथ रोके ना किसी ने पैर रोके और ऐसे ही ये थिरकते जा रहे हैं बाबा ताजुद्दीन के सॉन्ग्स पे। सो सैल्यूट टू ऑल नागपुरियंस और नागपुर के बाहर से भी जो भी भाई यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं हर किसी को सैल्यूट है। कंटिन्यू करते हैं हमारा शाही संदल। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा शाही संदल के 3 पार्ट्स आने वाले हैं, सो आप तीनों पार्ट्स पूरे देखिए, कुछ भी पार्ट मिस मत कीजिए। और हाँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और नागपुर के ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को एक लाइक तो बनती है।
जस्ट बिकॉज आपके लिए मैं यहाँ पे घंटों हाथों में कैमरा लेके खड़े रहती हूँ एक पोजीशन पे, ताकि आप कोई व्यू मिस ना करें। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो। फ्रेंड्स, ये शाही संदल है जो कि सुबह से लेके अभी रात के 8 बज रहे हैं, अभी ये बड़ा ताजबाग जा रहा है। सो पूरे दिन भर ये नागपुर में हर जगह पे घूमता रहा, हर जगह पे इसने अपनी दस्तक दी है। और शाही संदल अपने आप में शाही है, शाही शरीफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जो चद्दर होती है जो बाबा ताजुद्दीन को यहाँ पे बड़े ताजबाग में ले जाके समर्पित करेगी।